जैसे कि आप देख सकते हो ये लेयर्स हैं, तो मैं ये सब पहले तो बंद ही कर देता हूँ। ओके बॉटम तक है, हो गया। सो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ लेयर्स छूट गई हैं। ये ब्लू कलर की कलर टोन, सब सब बंद है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बैकग्राउंड इमेज थी, ये स्पाइडर मैन। उसके बाद लोगों ने इसे कटआउट करा है बाद में। हम लोग जो कटआउट करा था, मतलब वो ये लेयर्स नीचे हैं और ये बाद में ऐड की थी, बिकॉज ये कटआउट करके तो हम लोगों ने पहले कर लिया था। अब आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड में जो स्पाइडर मैन है ये वाला, इसमें कुछ ये आ रहे हैं, ये क्या है, मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आ रहे हैं, वो स्पाइडर मैन के ऊपर भी आ रहे हैं और बैकग्राउंड में भी है। सो उसकी वजह से कम्प्लीटली ब्लेंड लग रहा है, बैकग्राउंड इमेज भी अच्छी थी। सो उसके बाद स्पाइडर मैन पे जो हम लोगों ने काम करा था पहले, वही दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड पे आएंगे और फिर स्पाइडर मैन के बाकी उस पे आएंगे। सो हम लोगों ने एक लेयर ली, और ये एक न्यू लेयर ली थी मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश लिया था, सॉरी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो जहाँ पे भी वो स्पॉट्स थे छोटे छोटे, वो मैंने हील कर लिए थे, और कहीं पे क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ किया था। ओके सो फिर हम लोग आते कर्व्स पे, तो इस हम जो बैकग्राउंड था वो हम लोगों को काफ़ी डार्क रखना था, तो हम लोगों ने इसकी कर्व से इसकी ब्राइटनेस कम कर दी थी। शेडोज़ थोड़ी सी गिरा दी थी, मैं दिखाता हूँ आपको, हाईलाइट थोड़ी सी गिराई थी और मिड टोन्स गिरा दी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक और कर लिया था, ये देख कि आप, जैसे यहाँ पे जो स्पाइडर मैन का वो बना हुआ है, जो वेब सूट पे बना हुआ है, और वहाँ पे कुछ कलर्स हैं, वो हम लोगों को न्यूट्रल करने थे उसके लिए। फिर ये कलर बैलेंस है सब, तो फिर बाद में हुआ था, अजीब लग रहा है अभी काफ़ी। बैकग्राउंड ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं। अब ये था स्काई, ये पूरी स्काई की इमेज थी, ये मैंने निकाली थी। फिर यहाँ पे मैंने कलर बैलेंस किया था, इसमें थोड़ा सा पिंक ऐड किया था। फिर ये बाद में दिखाते हैं क्या हुआ था, या दिखा देते हैं, ये इधर समझ नहीं आएगा, बता भैया आप। फिर ये रोड लगाई थी, ये दिखाने के लिए कि ये रोड पे बैठा है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक ये लगा दिया था, ताकि दिखा सके कि यहाँ से स्मोक निकल रहा है। बाद इसमें भी ब्लर ऐड किया था। फिर कर्व्स लगा दिया था हम लोगों ने इन दोनों पे। फिर कलर बैलेंस साथ में था सब। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बिल्डिंग लगाई थी, ये लेफ्ट बिल्डिंग और ये राइट बिल्डिंग। सो ये हम लोगों ने जो लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग निकाली थी, एक सेकेंड में स्पाइडर मैन की इमेज ऑफ करता हूँ। ये जो एक पूरी इमेज थी हम लोगों ने निकाली थी, लेट मी शो यू दिस। सो ये एक पूरी इमेज थी, जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट और राइट दोनों बिल्डिंग्स निकाली थी। सो राइट बिल्डिंग, लेफ्ट बिल्डिंग पे, फिर राइट बिल्डिंग पे हम लोगों ने ह्यू चेंज कर दिया था, लेफ्ट येलो कलर की कर दी थी और राइट पे ब्लू, ताकि थोड़ा सा वो रहे, मतलब हम लोगों को कलर वो दिखाना था कि लेफ्ट से वैसा आ रहा है और राइट से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग के इधर से जो क्लाउड्स निकल के आ रहे हैं, इधर तो सही लग रहे हैं, बैलेंस लग रहे हैं राइट साइड में, बट ये लेफ्ट साइड में थोड़े से अजीब लग रहे हैं। सो हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए ये लेयर लगा दी थी, सॉरी ये रोड गायब हो गई, हाँ। सो ये लगाई थी ये बैलेंस करने के लिए, वो थोड़ी सी अजीब है बट लगा दी थी ताकि वो बैलेंस लगे अभी। मतलब मैंने उस पर उतना वो वर्क नहीं करा, क्योंकि स्पाइडर मैन सब कवर कर रहा है ऑलमोस्ट होल इमेज, और बैकग्राउंड पे उतना वर्क नहीं किया था बिकॉज स्पाइडर मैन सब कवर ही कर रहा है इधर। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कलर बैलेंस लगाया था, इसको
ब्लेंड करने के लिए पूरा स्काई के साथ भी, स्काई को थोड़ा सा डार्क करा था। एंड शो यू लाइक इधर का स्काई थोड़ा सा और डार्क हो गया था, हम लोगों ने किया था बट शायद मैंने पुराना वाला खोल दिया है। सेकेंड फ्लो थोड़ा सा कम करते हैं और ये लाइक स्काई काफ़ी डार्क हो गया था इधर भी, सो नॉट दैट्स लुकिंग प्रिटी। फिर हम लोगों ने ये सिंबल लगा दिया था, वैसे तो इसमें ब्लर नहीं था और ये मतलब मैंने निकाला था कहीं से, बट मैंने फिर इसमें ब्लर ऐड किया था और इसको स्क्रीन ब्लेंड मोड पे डाला था। इसको आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। सो अब इसके बाद ये सिलेक्टिव कलर नहीं यूज़, हाँ सो ये यूज़ करा था, ये हम लोगों ने कलर आज डाला था, कलर डॉज पे था ये। तो फिर यहाँ से मैंने दिखाया था कि स्मोक आ रहा है, इधर से पूरे में स्मोक आ रहा है। फिर हम लोगों ने ह्यू सैचुरेशन लगाया था स्मोक को थोड़ा सा, मतलब रात का टाइम है तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो ब्लूइश टोन देने के लिए एक ह्यू सैचुरेशन लगा दी थी। और ये स्मोक लगाया था, ये बाद में पता चलेगा क्यों है, ये थोड़ा सा मतलब फॉगी सा थोड़ा सा हेस लुक देने के लिए। ये हम लोगों ने इधर लगाया था कलर डॉज, देख सकते हो ये कलर डॉज है ये कलर, क्योंकि हम लोगों को दिखाना था कि राइट साइड से भी थोड़ा सा ग्लो है, सो यहाँ पे हम लोगों ने कलर डॉज कर दिया था। ये मून मैंने सोचा था लगाने के लिए बट मैंने फिर ऐड नहीं करा बिकॉज ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उस पर काम करना था बट काफ़ी टाइम हो गया था, लेट भी हो रहा था, सो मैंने उसको ऐड नहीं करा, काफ़ी टाइम लगता उसको फिर करने में। फिर ये स्पाइडर मैन लगा दिया था मैंने, इसके ऊपर तो मैं बता ही चुका हूँ। फिर ये कलर बैलेंस किया था उसके लिए हम लोगों ने। फिर इधर से ये येलो हाइलाइट्स थी, अभी थोड़ा सा सब अजीब लग रहा होगा बट धीरे धीरे सब सेंस। फिर एक सेकेंड, सो ये हेलो येलो हाइलाइट्स थी, उसके बाद मैंने ये येलो कलर लगाया था। ये हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया था, ब्लेंडिफ का यूज़ किया था इधर, सो मैंने डार्क एरिया से थोड़ा सा हटा दिया था और ब्राइट एरियाज में रखा था येलो कलर को, ताकि वो थोड़ा और नेचुरल लगे। फिर मैंने कर्व्स यूज़ किए थे थोड़ा और डार्क करने के लिए, अभी अच्छे से ब्लेंडेड लग रही है, पहले तो काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू टोन्स के लिए ये यूज़ किया था, ये ब्लू टोन्स थी और ये ब्राइट हाइलाइट्स थी, और ये ब्लू टोन्स के लिए यूज़ किया था, जैसे ब्लूइश टोन आ रही है, वैसे तो काफ़ी इधर से लाइट आ रही थी, ब्राइट हो गया था तो मैंने उतना वो नहीं करा। फिर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी इमेज, तो ये मैंने ब्राइटनेस के लिए यूज़ किया था। फिर ये ह्यू सच ये यूज़ किया था मैंने, थोड़ा सा स्पाइडर मैन के आगे भी कि थोड़ा सा फॉगी लगे, जहाँ से थोड़ा सा नहीं वो बाद मैंने ऐड कर दिया था, उसको भी बंद कर देता हूँ, वो मैंने बाद में ऐड किया था। फिर ये मैंने ग्रेडियंट मैप यूज़ किया था इधर की हाइलाइट्स के लिए, और फिर ये कलर लुकअप टेबल्स हैं, इसको थोड़ा और अच्छा मतलब प्रिटी दिखाने के लिए। फिर ये था कैमरा रॉ फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर से ये आया था तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एक स्मोक ऐड कर दिया था आगे, फिर हाँ यहाँ पे स्मोक ऐड किया था, वो वाला मैंने नहीं किया था क्योंकि ये वाला बेटर लग रहा था यहाँ पे मतलब, तो फिर बाद में ये स्मोक ऐड कर दिया था और इसको मैंने ह्यू सैचुरेशन से कलर दे दिया था स्मोक को। वैसे मैं इसको स्मार्ट फिल्टर्स में करके भी ह्यू सैचुरेशन लगा सकता था बट मैंने, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। फिर ये ब्राइटनेस की लेयर लगाई है मैंने, क्योंकि जब फ़ोन में डालते हैं हम लोग इमेज को तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा के
लगाई है। फिर यहाँ पे मैंने अपने नाम का मैंने अपने नाम का वाटर मार्क दिया था, और इसकी मैंने ओपेसिटी खाली कम की थी बस। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा वो लुक दे दिया था क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी ब्राइट है और येलो हाइलाइट्स इधर से आ रही, तो मतलब जो काफ़ी ब्राइट पोर्शन रहेगा वो लेफ़्ट वाला ही रहेगा, राइट वाला उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं रहने वाला। सो मैंने इसके लिए यहाँ पे दिया था, मैंने थोड़ा सा ब्राइट वो कम कर दी थी, ब्राइटनेस थोड़ा सा उसको कम किया था, हाइलाइट्स को राइट साइड, और थोड़ी सी ब्लू टोन्स ऐड की थी इसमें से, इसमें मैंने ब्लू टोन थोड़ी सी ऐड की थी ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। फिर ओपेसिटी कम कर दी थी, दैट्स इट।